आज हम लोग जा रहे हैं किधर? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ना यार, अच्छा। देख लो, पढ़ लो, बिला वजह तुम लंबी कर रहे हो। खैर भाई, क्या हाल है सबके? फर्स्ट क्लास, उम्मीद है तुम लोग सब फर्स्ट क्लास हो गए और मुझे मिस कर रहे होगे। मैं एक हफ्ते से गायब हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई नहीं करता, तो मैं करूँगा ना। भी आ गई है। आज जो है ना हमारे साथ हमजान जो में और मोहसिन जावेद है, और ये है हमारे साथ जमाल। जब खड्डे बनवा दो भाई, गुलबर्ग के ये रोड बनवा दो। हुकूमत से दरख्वास्त है ये वाटर वाला रोड जो है ना बनवा दें। ये लोग जो है ना इतना आगे तक पहुंचाए सब, हुकूमत तक जो है ना, हमारे शरीफ साहब जो है ना उन तक पहुंच जाए और यहाँ का रोड डल जाए यार। जब रोड पर, जब आप रात को 11 बजे के बाद निकलोगे ना, तो आपको बस ये ट्रक ही ट्रक मिलेंगे रोड पर ना। जमाल, अब प्लान नहीं कैंसिल कर रही हूं, मटन कढ़ाई जो है ना वो मेरे यार यहाँ से टर्न कर ले। मैं तो बोल रहा हूँ सीधा सीधा अपन लोग जाकर केमाड़ी उतरते हैं। नहीं, मटन कढ़ाई जो है ना वो मेरे दिमाग में चढ़ गई अभी। मटन, सॉरी यार, मटन चढ़ गया तुम्हारे ऊपर। और हम लोग पहुंच गए बस, और यहाँ पर जो है ना कोई पार्किंग देख रहे हैं, पार्किंग मिलती है तो बस गाड़ी जो है पार्क करके हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। और भाई हम लोग पहुंच गए। हाँ भाई, आकर ना लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई जाना कहाँ पे। आप देख रहे हैं न्यू वाला रहमान रेस्टोरेंट, यहाँ पर आपको दुम्बे की कढ़ाई मिलेगी, मगर आपने अगर नमकीन बोटी खानी है तो आपने न्यू अरमेन वाली बिल्कुल मदीना रेस्टोरेंट वाली गली में सीधा अंदर चले जाना है। और सीधा अंदर जाने के बाद लेफ्ट टर्न लेना, और लेफ्ट टर्न करके सामने ही स्ट्रेट के ऊपर आपको मिल जाएगा अल मक्का होटल, जहाँ की नमकीन बोटी बहुत मशहूर है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे लोग देखे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, नारे लग रहे होते। ओ नहीं रोके, जाने दो, पकड़ लो पकड़ लो। और हम लोग जो है ना, ये लोग रास्ते में इसी तरह पकड़ेंगे भाई, सब ये पकड़ रहे हैं और बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ जाओ। हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए, हम पहुंचे अल मक्का रेस्टोरेंट ना, अफगानी बोटी खाने के लिए। चल तराशा, दो दर्जन बोटी चाहिए, एक एक और एक दर्जन कबाब, ठीक है, और अफगानी पुलाव, एक दुम्बे की कढ़ाई चाहिए। कोयटा वाला माहौल है, मक्का के बराबर में ही जो है ना, इन लोगों ने जो है अखरोट, बादाम, पिस्ते, इस सब का सीन है। हाँ भाई, काजू क्या हिसाब चल रहा है? 680 रुपए पाओ। और अखरोट कितना? साबुत वाला 950 रुपए किलो। छिला हुआ 550। यार तुम्हारे पास कोने होती है? कोन, ये कोने होती है ना, एक चॉकलेट टाइप की कोन आती है, उसमें ईरानी चॉकलेट होती है, मतलब कौन उसमें चॉकलेट होती है। टॉफियाँ किलो के हिसाब से मिलती हैं? क्या रुपए किलो है ये टॉफियाँ? ये टॉफियाँ 400-300 ऐसे आता है। 400 रुपए किलो है? 400 रुपए किलो। एक किलो में कितनी टॉफियाँ चढ़ती हैं? ये किलो होगा पैकेट? पैकेट 50-50 आते हैं, 200 दाने चढ़ता है इसमें। शायद ओरिजिनल है, शायद एक नंबर ओरिजिनल, बेरे वाला है, फलोसा वाला है, ये कितना? ऐसा करो शहद दे दो, सही है ना? छोटा वाला कितने का? छोटा वाला शहद का 300 रुपए का है, और बड़ा वाला? बड़ा वाला 400 रुपए का है, वो दूसरा। अबे 400 रुपए का ओरिजिनल शहद कौन सा आता है यार?
400 रुपए का नहीं, 600 रुपए पाव है ना, या आधा पाव 300 रुपए का है। बेरी वाला ये नीचे वाला कितने का है? नीचे वाला 400 रुपए। ये अलग अलग ही शायद अलग अलग है, फर्क होता है। पैकिंग वैकिंग को छोड़ो, एक होता है बेरी का, एक जंगलात का होता है। बेरी का, जंगलात वाला चाहिए मुझे, जंगलात वाला। बेरी छोटी मिट्टी वाला। सब यही है, बेरी का भी यही है, जंगलात का भी यही है, इसका भी यही है। नहीं मामू, सिर्फ बेरी वाला चीज है और छोटी मिट्टी का। अच्छा चलो तुम छोटा वाला दे दो एक। गली के अंदर जो है ना ये दुकान है, ये यहाँ पर जो है ना ये, वालेकुम अस्सलाम भाई। यार यहाँ कॉर्न वगैरह होती है, वो जो चॉकलेट वाली कॉर्न होती है ना, चॉकलेट वाली कॉर्न है आपके पास? नहीं, मेरा पास जो है ना ये चॉकलेट है। ये किलो के हिसाब से दे दो ना आप, किलो के हिसाब से। ये तो यहाँ पे शादी हो रही है तो ये छुआरे वुआरे ताजे छुआरे हैं यहाँ पर। क्या रुपए किलो है ये छुआरे? ये 400 रुपए का ताजे वाला, अच्छा वाला। जो कड़क वाला होता है वो फिर जो है ना तकरीबन 250-300 तक। 250 रुपए किलो वो हल्का वाला, और ताजा 450 या 400? 400 रुपए किलो। और ये टॉफी का किलो है? ये जो है ना ये वाला 400 रुपए का। 400 रुपए किलो या 400 का पैकेट है पूरा? किलो किलो, ये 500 रुपए का किलो है। अच्छा ये अच्छी थोड़ी सी, ये अखरोट जो है ना सबसे सुपर क्वालिटी है। ये 2500 रुपए का है। ये वाला जो है ना ये तो अखरोट नहीं है यार, ये बादाम है। अखरोट बताओ, अखरोट। अखरोट जो है ना ये वाला अमरीका का 1200 रुपए का। और दूसरे में भी होता है अमेरिकन के अलावा भी? सामने कौन सा है? ये कौन सा है? ये अमरीकन है। ठीक है, ये चाइना वाला है। अच्छा, और ये जो है ना ये पाकिस्तानी। हाय हाय हाय, इसका तो हाल बेहाल है। और ये जो है ना ये नरछुआ है। आहा, नरछुआ है, ये नरछुआ है। शादी के बाद ये इस्तेमाल होता है। भाई अगर आप लोग शादी वगैरह कर रहे हैं और शादी के अंदर इन लोग लिफाफे बना रहे हैं, वो लिफाफे बोल रहा हूँ मैं आपको, छोटे छोटे पैकेट्स बना रहे हैं लिका के अंदर बांटने के लिए, तो भाई यहाँ पर विजिट करें। मस्त नायाब चारमंग स्पेशल, ये चार मंग है नाम इसका, चार मंग। और आपका नाम? अनायत नाम है। अनायत नाम है भाई, भाई बहुत कोऑपरेटिव बंदा है। आप जब भी आए यहाँ पे मस्त विजिट करें, यहाँ पे बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। साइज दिखाना है इसका। वाह, अफगानी नान, कंदानी, कंदारी रोटी। तो फिर अफगानी नान कौन से? अच्छा मानना नहीं है इसको, ये बंदा जो है ना ये किसी की नहीं सुनेगा भाई। और भाई खाना आ गया ना, जल्दी से इलाका जरकावा। मना आ गया, कढ़ाई बहुत ऊपर है, बहुत आला है, जबरदस्त कढ़ाई है। और अफगानी बोटी होगा तो कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसे तो नहीं होता है। हमजा भाई और जमाल भाई भरपूर एंजॉय करते करता भाई। भाई खाना वगैरह सब हो गया है डन, और अब जो है ना हम लोग बस निकलने का सीन बना रहे हैं। खाना वाना खाने के बाद जो है ना ये यहाँ पर ये रखी हुई है, ये लाजमी खाना, और ये गुड़ भी रखा हुआ है इन लोगों ने, ये भी आपने लाजमी खाना है। थैंक यू यार। रोज यार खाया हुआ अच्छा नहीं लगता हमें रोज। हाँ हमने 2 रेस्टोरेंट पे खाया था, हमें अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये भाई दुआ कर रहे हैं कि पार्किंग मिल जाए। और भाई सुराब गोट पे खाना खाने के बाद ना अलासिफ के ऊपर तो कैफे प्याले की चाय जो है ना मैंडेटरी है। ये
ये आप देख रहे हैं दो कैफे प्याला है यार, ये ब्लैक कैफे प्याला जो है ना, ब्लैक कैफे प्याला पठान का है और ब्लू कैफे प्याला जो है ना ये माजिर का है। चाय जो बेहतरीन है ना वो ब्लू कैफे प्याला की बेहतरीन है। कैफे प्याला का सीन ये है, बस हर जगह जो है ना मालिशें चल रही हैं फुल। करोगे सर मालिश? हाँ मालिश करवानी है। वो एक स्टाइलिश जहाँ पर था ना डांस कर करके करता था मालिश, वो कहाँ गया? वहाँ डांस देखने के लिए यहाँ पर आए थे दूर हम। ये भाई बहुत फेमस थे इंटरनेट पर काफी टाइम पहले, इनका डांस जो है ना बहुत मशहूर था, मालिश करते हुए जो है ना ये डांस करते हैं तो ये बहुत फेमस थे इसी वजह से। नाम क्या है आपका? गुलाम अली। कब से कर रहे हैं आप यहाँ पे मालिश? 40 साल हो गए। 40 साल यहीं पे मालिश कर रहे हैं? हाँ जी। जगह भी नहीं बदली? आप देख रहे हैं ये स्लोमो नहीं है भाई। काट का वाह 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 मजा आ गया। आ रहा अपना सामान लेने के लिए ना, ये गाड़ी आगे ले गया था, बोला घर के आगे नहीं उतारूंगा, और मैंने बोला मैं इसका सामान ही उठा के ले आया, मतलब तू भी अब मेरे घर तक आ बेटा, आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ गए घर, आ गए घर, आ गए, बस यही है। ये लो हमजा भाई, थैंक यू यार। क्या कहेंगे लोग, जब भी तो बना रहे हैं व्लॉग भाई, सीन कुछ हुए हैं कि लोग देखेंगे हमारे व्लॉग हमारे मरने के बाद कि कैसे जिए थे ये लोग बड़े धरने के साथ। तो भाई दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।